गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं शीतल बाकर स्टॉक ब्रोकर एनिमोलॉजिस्ट। यस, मार्केट में सारे लेवल्स तोड़ चुका है, मार्केट नीचे 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 के ब्रेकआउट देते जा रहा है। ऐसे टाइम पे शीतल, क्या कंडीशंस है, कैसे रहना चाहिए मार्केट, क्या करना चाहिए, बाइंग में बैठना चाहिए, सेलिंग में बैठना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गाइस टेंशन मत लीजिए, देखिए रूमर्स थे कल, काफ़ी सारी न्यूज़ थे, बैंकिंग्स प्रॉब्लम, एफआईज प्रॉब्लम, फिर लॉकडाउन प्रॉब्लम, फिर कोरोना प्रॉब्लम, काफ़ी सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियल इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स, फिर मतलब लॉट्स ऑफ इश्यूज थे, कुछ रूमर्स थे, कुछ हम लोग उसे बोल सकते थे कि जेन्युइन प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आते हुए इन फ्यूचर्स भी लग रही है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 7 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने मार्केट के लिए बड़े क्रूशल रहेंगे, और वहाँ पे आप ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए, पोजीशंस लेते टाइम थोड़ा सोच बूझ करके पोजीशंस लीजिए। अब ओवरनाइट पोजीशंस का मतलब क्या हुआ, आज के आज ट्रेड ख़त्म करिए, मार्केट का ट्रेंड समझ के आज ट्रेंड अगर आप लेते हो, ट्रेड अगर आप लेते हो और ख़त्म करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, वो भी विथ नॉलेज जाते हो तो ऑलवेज बेटर होता है। कल ही कहीं मैं एक स्टोरी सुन रही थी कि एक डॉग और एक एलिफेंट दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, और डॉग और एलिफेंट की प्रेगनेंसी की जो टाइमिंग होती है, मतलब लाइक एलिफेंट प्रेग्नेंट 2 साल के लिए होता है, और देन उसके बाद में डॉग प्रेग्नेंट 3 मंथ्स के लिए होता है। सो यहाँ पे देखिए इसका कॉम्बिनेशन स्टॉक मार्केट के साथ कैसे आप लगा सकते हो। 2 साल का नॉलेज लेके एक बहुत अच्छी चीज़ एलिफेंट, मतलब इतनी हेवी चीज़ एलिफेंट दे रहे हैं जो रास्ता अगर क्रॉस भी करे तो सामने वाला रुक जाता है। मतलब जब एलिफेंट से पूछा गया कि मेरे पास तो अब तक 10 बच्चे हैं और आपका एक भी नहीं आया, तो एलिफेंट का आंसर था कि जब मेरा बच्चा आएगा ना तो धरती हिल जाएगी। तो सेम लाइक जब आप पेशेंसफुली स्टॉक मार्केट में स्टडी करके जाओगे तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट हिला दोगे, इतनी ताकत होती है नॉलेज में, इतनी ताकत होती है सोच समझ के ट्रेड करने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि शीतल अभी का मार्केट यहाँ से देखिए 11,143 के आसपास एक बार निफ्टी बाउंस बैक वापस लेगी। यस आई एग्री, वो लो दिखा चुकी है, फिर भी वहाँ से एक छोटा सा लो आएगा और वहाँ से निफ्टी बाउंस बैक होते हुए थोड़ी सी हमें दिखेगी। बट यहाँ पे अगेन आई विल सेड यू, प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने नीचे में लिया है ऊपर में बेच दीजिए, ऊपर में लिया है नीचे में बेच के मत काम करिए, ऊपर में लिया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, निकल जाएगी आपकी पोजीशन। चलिए आज के प्रॉफिट की बात कर लूँ। अब ऐसे मार्केट में आज एक तो वन मोर थिंग अगर आपको याद होगी तो आज है 22 तारीख, और आपको पता है एज ए न्यूमरोलॉजी मैं कभी नहीं सजेस्ट करती हूँ, जब 4 और 8 टोटल आती है, और लास्ट 17 को ही हमने बात की, उस दिन भी मार्केट नीचे था, मैंने तब भी आप लोगों को बोला था कि न्यूमरोलॉजिकली 17 था, न्यूमरोलॉजिकली 22 है, 22 में आपने देखा मार्केट पानी पानी हो गया है, बचाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट यस बच जाएंगे। तो चलिए आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन शरद अंकल। देखिए मार्केट खुला माइनस में, मैंने 9:55 से ट्रेड लिया और 10:07 में मैंने ट्रेड ख़त्म भी कर दिया है। आप देख लीजिए, आप मोटा मोटी 15 मिनट हम लोग पकड़ के चले, 13 मिनट होते हैं बट मैं आप लोगों के साथ 15 मिनट की बात कर रही हूँ। टाइमिंग्स, प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, कितने पे मैंने ख़रीदा होगा और कितने पे मैंने बेचा होगा, इसे कोई आइडिया आप दे सकते हो, दे दीजिए, तब तक मैं ट्रेड आपके सामने लेके आती हूँ। टाइमिंग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, वन ऑफ माय फेवरेट अंकल शरद टिक्की वाला, जो ब्लाइंड फेथ करते हैं विद बेस्ट स्टूडेंट ऑल्सो। 11:13:30 पे मैंने बाई किया और 13:44.75 पे 15 मिनट में बेच दिया, और अंकल को आज प्रॉफिट है 10,325। दिस इज़ द प्योरली प्रॉफिट
निफ्टी की हालत आप देख सकते हो, ये हफ्ते के लेवल्स आप चेक कर सकते हो, किस तरीके से लेवल्स परफेक्ट जाती है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। दिस इज ऑल लाइव प्रॉफिट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो टिल देन गाइस, नो ओवरनाइट पोजीशंस, प्रॉफिट बुकिंग करना ऑलवेज बेटर रहेगा। बाय बाय।